उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का कहर जारी है। रोज डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी तक देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 338 पर पहुंच चुकी है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी डेंगू के मरीजों में कमी नहीं आ रही है। डेंगू के जो 338 पेशेंट जो अभी तक पाए गए हैं, इसके अलावा बाहर जो बाहर से हमारे जो देहरादून से बाहर जिले के लोग हैं उनका भी इलाज यहीं हुआ है, जिनकी डेंगू की पुष्टि यहीं पर हुई है। और ज़्यादातर मरीज अभी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कुछ मरीज अभी हॉस्पिटल में भर्ती है जिनकी स्थिति सामान्य है। मानसून आते ही डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेंगू के मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड्स का इंतजाम भी हो चुका है। अभी तक हमारे पास 24 बेड कभी खुल नहीं रहे। किसी दिन 23 मरीज रहते हैं, कोई दिन 22 मरीज रहते हैं, किसी दिन 21 मरीज रहते हैं। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम डेंगू बेड और बना देंगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। चाहे जनरल मरीज रहे ना रहे, ये एपिडेमिक में इसमें रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम कोई वार्ड खड़ा लेकर आगे फिर डेंगू वार्ड बना देंगे, हमारे पास 60 बेड का बंदोबस्त है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम प्रयासों की बात कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन फॉगिंग मशीनों को नगर में घुमा भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डेंगू के मरीजों में कमी नहीं आ रही है। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।